आजकल सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट सेकंड स्टार्ट हो रही है, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है सॉलिड स्टेट। आज हमारा टॉपिक रहेगा, यूनिट है सेकंड जिसका टॉपिक है सॉल्यूशन, पूरा चैप्टर है सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले हम इनके बीच में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं उनके बारे में जानकारी लें कि सॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ना है। तो सॉल्यूशन आप नाइन्थ क्लास में पढ़े हुए सॉल्यूशन के साथ मिलता है, एक ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन सॉल्यूशन, एक कोलाइडियल सॉल्यूशन। कोलाइडियल सॉल्यूशन पर सरफेस केमिस्ट्री में पूरा चैप्टर है। सस्पेंस सॉल्यूशन नाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ है, सॉल्यूशन डिवाइड बाय डी कैटेगरी। पहला ट्रू सॉल्यूशन, इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है केवल सॉल्यूशन, वो भी कौन सा, ट्रू, ना सस्पेंस सॉल्यूशन ना कोलाइडियल सॉल्यूशन। पहली बार पहले ये दिमाग के अंदर नोट कर लें कि सॉल्यूशन के अंदर वो भी ट्रू सॉल्यूशन पढ़ना है। क्लियर क्लियर गाइस, जो सॉल्यूशन है सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, पहले तो सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन, टर्म, कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर पढ़ना है, इसमें दो लॉ होंगे हेनरी और राल्फ। पहला लॉ है हेनरी लॉ, दूसरा राल्फ लॉ। क्लियर। तीसरा टॉपिक पढ़ना है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वो कोर पढ़नी है आपको, मैं भी बता दूं आर एल बी पी रिलेटेड लोडिंग वेपर प्रेशर, दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बीपी बॉइलिंग पॉइंट, और चौथा है ऑस्मोसिस। फोर्थ क्या है, ऑस्मोसिस, और चौथा पॉइंट है वन हाफ फैक्टर। इस सॉल्यूशन के अंदर ये चार टॉपिक क्लियर करने हैं, कंसंट्रेशन टर्म, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में दो लॉ दिए हुए हैं, हेनरी लॉ और राल्फ लॉ, वो पूरा क्लास में करना है। तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये वाला टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, न्यूमेरिकल आता है। पहला रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन ब्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बीपी, और चौथा है ऑस्मोसिस। क्लियर। और लास्ट में पढ़ेंगे बैंड ऑफ फैक्टर, ये टॉपिक इस सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आपको क्लियर करने हैं। चलिए गाइस हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, अरे सॉल्यूशन सिक्स क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एक होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर टू और मोर कंपोनेंट, टू और मोर कंपोनेंट, कंपोनेंट या सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। क्लियर। ये होमोजीनियस मिक्सर टू और मोर कंपोनेंट, अब दो मिक्स हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन। अगर जैसे सपोज करें, जैसे वाटर ले लिया, वाटर के अंदर NaCl ऐड किया हुआ है आपने, NaCl को ऐड किया वाटर के अंदर, तो NaCl के अंदर वाटर को ऐड करने पर ये दो कंपोनेंट
जो पहला कहलाता है सॉल्यूट और दूसरा कहलाता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन को कह सकते हैं, सॉल्यूशन शॉर्टकट में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, शॉर्टकट में सॉल्यूशन को कह सकते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। वो भी क्या होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस एक होता है, होमोजीनियस एक होता है हेटरोजीनियस। इस मींस क्या है, जैसे सपोज करें कि आप कोई भी जैसे चाय, टी, चाय के अंदर चाय एक कप ले लो, बनाइए चाय, उसमें आपकी जो क्वांटिटी है, जैसे आपने चाय बना के तैयार कर ली 1 लीटर, ठीक है, अब 1 लीटर के अंदर उसमें से 10 ml चाय ली, तो उसमें से शुगर कितना होगा, इसके अंदर शुगर के पार्टिकल्स जो आपने मिक्स किए हैं, इसमें से दूसरा टी आपने दूसरी दी किसी को, तो उसमें भी शुगर की क्वांटिटी कैसी होगी, सेम ही रहेगी ना, क्या डिफरेंट ही रहेगी, अबे सेम रहेगी। तो होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में थम्स अप कोई भी ले लें कोल्ड ड्रिंक, उसमें से एक 5 ml आपने निकाल ली, तो उसमें से 5 ml में जो टेस्ट इनर में मिलेगा वो सभी कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो सॉल्यूशन है उसका टेस्ट एक जैसा होगा, क्लियर। तो इसलिए होमोजीनियस और हेटरोजीनियस, जिसमें पार्टिकल्स डिफरेंट हो, कंपोनेंट ऊपर आ जाए, इट इज कॉल्ड हेटरोजीनियस। 9th क्लास की चीज है, आगे चले, क्लियर गाइस। तो सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, तो सबसे पहले सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट क्या है, इट इज द कंपोनेंट, इट इज द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट, विच इज प्रेजेंट इज लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या है, इट इज द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इज लार्जर क्वांटिटी, देख लेना, जैसे आपने इसके अंदर 100 या 90 80 ml वाटर के अंदर 10 ग्राम क्या मिला दिया, शुगर, तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिक्स हो गए, देन सॉल्यूशन, क्या फॉर्म हो गया, सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन सॉल्यूट के साथ इट इज द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंटिंग लेस क्वांटिटी, जो सॉल्यूशन के अंदर लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, तो यहां पे क्या कितना है, सपोज करें ये 80 दे रखा है, ये 10 ग्राम, तो 10 ग्राम है वो क्या आपका क्या बनेगा, सॉल्यूट। जो कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा इट इज कॉल्ड सॉल्यूट। आई होप क्लियर हो चुका होगा कि सॉल्यूट क्या है, कोई भी सॉल्यूशन है, जैसे सपोज करें उसने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इसको आधी पॉइंट को क्लियर कर दूं, सॉल्यूट को भी कंपोनेंट मान के चलूंगा और सॉल्वेंट को ए, ये ध्यान रखना, पूरे सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर सॉल्यूट को हमेशा बी मानूंगा, अभी न्यूमेरिक फॉर्मूला बताऊंगा जब, और ए को मानूंगा सॉल्वेंट। ये चीज मैं टॉपिक के अंदर दिमाग के अंदर रख लो, पूरा चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा जब तक बी को हमेशा सॉल्यूट मानूंगा, ए को सॉल्वेंट, क्लियर। लेग लिख सकते हैं, लेग
लेंथ। क्लियर? तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जो सॉल्यूशन के अंदर जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो सॉलिड होगा और इट इज द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट लार्जर क्वांटिटी। लार्जर क्वांटिटी जैसे वाटर 80 ml है तो लार्जर क्वांटिटी में ये क्या होगा? सॉल्वेंट। इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो हमेशा सॉलिड होगा और जो मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो हमेशा सॉल्वेंट होगा। क्लियर? तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे अपने टॉपिक पे चलते हैं। चलिए गाइस अब चलते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देखिए जरा टाइप ऑफ सॉल्यूशन मतलब फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के बेस पर सॉल्यूशन को 9 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। अब फिजिकल स्टेट, सॉलिड स्टेट बताए फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कितनी होती है? फिजिकल, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बेस पर जैसे क्या क्या बन सकता है? जैसे सॉलिड और सॉल्वेंट, माने सॉलिड को मानते चले सॉलिड, 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 क्लियर, लिक्विड, 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 गैस, गैस, गैस। इसको माना सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्लियर। तो इस प्रकार से इनको एक फिजिकल स्टेट सॉलिड के 3, इसके 3, इसके 3 और इसके 3 टोटल कितने हो जाएंगे? अरे भैया 3+3+3 कितना होता है? 9 के। तो 9 टाइप फिजिकल स्टेट के बेस पर इसको 9 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। तो देखते हैं वो 9 टाइप है कौन कौन से। इसमें से एग्जांपल पूछ लेता है वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक टेबल में रखा हूँ, मैं देता हूँ, इस टेबल को देखते हैं आप। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन एक में लिख दो सॉलिड, एक में सॉल्वेंट या सॉल्वेंट एग्जांपल, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल। क्लियर? तो पहला देखेंगे सॉलिड, सॉलिड का सॉलिड, सॉलिड होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए? सॉलिड। तो सॉलिड, सॉलिड का एग्जांपल है एलॉय। जितने भी एलॉयज हैं फॉर एग्जांपल ब्रास, ब्रोंज, स्टील, ये सब सॉलिड, सॉलिड एलॉयज क्या है? व्हाट इज द एलॉयज? व्हेन टू और मोर सॉलिड सब्सटेंस आर हीटेड देन वेपर्स आर फॉर्म, वेपर इज कोल्ड देन एलॉयज इज फॉर्म। क्लियर? दूसरा सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड। तो सॉलिड क्या होना चाहिए? सॉलिड। ये क्या होना चाहिए? लिक्विड। एग्जांपल क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ऑफ शुगर, अरे कोई भी मिला दो, सॉलिड लिक्विड है, ये H2 मान लिया, इसमें जरूरी है NaCl मिला दो, तभी सॉल्यूशन ऑफ शुगर की जगह सॉल्यूशन ऑफ NaCl हो जाएगा। अरे यूरिया NH2CO NH2 ऐड कर दें तभी क्या हो जाएगा? शुगर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। ये सब इसके एग्जांपल है।
ध्यान दें कि सॉल्यूट मिलाने सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, सॉलिड किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। क्लियर, आई होप क्लियर हो चुका होगा। थर्ड सॉलिड और गैस, सॉलिड और गैस, तो सॉलिड और गैस। क्लियर, ये सॉलिड और गैस डायरेक्ट सब्लिमेशन 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 पढ़ा हुआ है। दो सब्सटेंस विच कन्वर्ट डायरेक्टली सॉलिड टू गैस, किसमें कन्वर्ट हो, सॉलिड से गैस में, लिक्विड स्टेट में नहीं आना चाहिए। ऐसे फॉर एग्जांपल देखो, जो सॉलिड से सीधे डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो वो है NH4Cl, कैम्फर, NH4Cl, कैम्फर, नेप्थलीन, बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके सब्लिमेशन। तो फॉर एग्जांपल NH4Cl देख सकते हैं, यहाँ पर कैम्फर दिया जा सकता है, नेप्थलीन दिया जा सकता है, फोर लिक्विड अब सॉलिड। दूसरी फिजिकल स्टेट आ गई लिक्विड और सॉलिड, तो यहाँ क्या होना चाहिए, लिक्विड किस स्थान पर, सॉलिड सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट। देन एग्जांपल Fg प्लस Na अमलगम, Fg प्लस जिंक अमलगम, मर्करी के साथ, मर्करी कैसा है, अरे एक ही मेटल है जो लिक्विड स्टेट में अपमान होता है, 10 क्लास में पढ़ा हुआ है, वो क्या है, मर्करी। तो मर्करी क्या है, सॉलिड ले ले, सॉलिड सोडियम ले लो, जिंक ले लो, आप कौन सा भी एग्जांपल ले सकते। नेक्स्ट फाइव पर चलते हैं गाइस, फटाफट। ये तो यही लेगा लिक्विड, लेकिन ये क्या आ जाएगा, लिक्विड देन लिक्विड लिक्विड, तो ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड। देन एग्जांपल क्या दे रहा है आपको, अरे लिक्विड लिक्विड एल्कोहल C2H5OH प्लस वाटर वाइन, वाइन के अंदर वाटर को ऐड कर रहे हैं, दोनों लिक्विड स्टेट में, तो C2H5OH प्लस H2O, सिक्स लिक्विड गैस, लिक्विड और गैस सिक्स वाला, तो ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड। तो एग्जांपल H2O वेपर्स, H2O वेपर्स, H2O वेपर्स, ठीक है। गैस सेवन, तीसरा खत्म हो गया, सिक्स हो गए, अब क्या आएगा, गैस सॉलिड, गैस सॉलिड, तो ये गैस, ये सॉलिड, गैस सॉलिड का एग्जांपल H2, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे H2 एब्जॉर्ब, H2 एब्जॉर्ब इन PD, पैलेडियम पर H2 गैस का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे हम इसको। आर ए गैस लिक्विड, तो ये गैस, ये लिक्विड, एग्जांपल गैस और लिक्विड का बहुत सारे एग्जांपल देखे हुए। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक CO2 गैस सॉल्व होती है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, कोई भी थम्स अप को बोला तो इसके अंदर CO2 प्लस वाटर, क्लियर। तो कोल्ड ड्रिंक सोडा वाटर, सोडा वाटर इसी के अंदर है, क्लियर। नाइन गैस सॉलिड लिक्विड गैस, गैस गैस, अरे भैया गैस 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 गैस, एयर मिक्सर ऑफ एयर क्या है,
मिक्सचर ऑफ एयर। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन को फिजिकल स्टेट के बेस पर 9 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि फिजिकल स्टेट में भाई फिजिकल स्टेट पर सब्सटेंस को 3 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड के रिसॉल्यूशन सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऐसे लिक्विड के रिसॉल्यूशन सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसे गैस के रिसॉल्यूशन सॉलिड, लिक्विड, गैस, कितने हो गए 9 का। मैं सॉलिड लिक्विड सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर मेन एग्जांपल है एलॉयज, सॉलिड भी सॉलिड होना चाहिए, सॉल्वेंट भी सॉल्वेंट भी सॉलिड होना चाहिए। उस कंडीशन में जितने भी एलॉयज हैं वो सब इसके अंदर एग्जांपल आएंगे। सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड सॉलिड क्या होना चाहिए, सॉलिड सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ शुगर यूरिया NaCl, बहुत सारे एग्जांपल है इसके अंदर। सॉलिड गैस, एक एक एग्जांपल ध्यान रखिए, सॉलिड गैस, तो सॉलिड गैस सब्लिमेशन कैंपर NH4Cl नेफ्थलीन ETC, और लिक्विड सॉलिड, तो लिक्विड सॉलिड सोडियम अमलगम, सोडियम जिंक अमलगम, लिक्विड 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 में एथेनॉल प्लस वाटर, वाइन के अंदर वाटर को ऐड कर दो, वाइन ध्यान रखो, वाइन लिक्विड लिक्विड का, लिक्विड गैस लिक्विड लिक्विड H2O वेपर्स, गैस सॉलिड, तो गैस सॉलिड के अंदर आएगा H2 गैस का एब्जॉर्प्शन इन PD पर, गैस लिक्विड गैस 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 मिक्सचर ऑफ एयर। एयर में बहुत सारे मिक्सचर भरे हुए हैं, नियॉन आर्गन क्रिप्टन जीरोन ब्लड गैस भरी हुई है, नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, तो क्या हो गया मिक्सचर। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हमारा यहाँ टॉपिक खत्म होता है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलता हूँ। चलिए गाइस फटाफट पेन कॉपी अपने साथ रखें और नोट्स बनाते जाएं साथ साथ में, क्योंकि यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड होने वाली है, आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में टाइम नहीं है। सितंबर हो चुका है, चल रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये ध्यान रखो टाइम की शॉर्टेज है। तो फटाफट से सॉल्यूशन, तो मैंने सबसे पहले यहाँ वीडियो बनाई थी उसमें बताया था सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर क्या क्या पॉइंट पढ़ना है आपको। पहला है कंसंट्रेशन टर्न, कंसंट्रेशन टर्न, तो कंसंट्रेशन टर्न दो पर डिपेंड करते हैं, जरा इसको क्लासिफाई कर दूं थोड़ा सा। कंसंट्रेशन टर्न एक होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म को दो पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई कर लिया। पहली बात वो कौन कौन सा है, पहला डीबी परसेंट, वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज, दूसरा डब्ल्यूबी परसेंटेज, तीसरा मोलरिटी, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी और इसके अंदर ppm पार्ट पर मिलियन, जिसको bb परसेंटेज और wb परसेंटेज, क्लियर। ppm वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज, wb परसेंटेज और स्ट्रेंथ, नेक्स्ट स्ट्रेंथ। तो ये वाले टॉपिक पढ़ने हम
टेम्परेचर डिपेंडेंट। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या है? पहला है डब्लू डब्लू परसेंटेज मास मास, दूसरा है मोलालिटी स्मॉल एन, तीसरा मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन। या एक और है जो सिलेबस में नहीं दिया है, फोर बाई टू फॉर्मल फॉर्मूला मास फॉर्मेलिटी और दिया हुआ है, तो इस पर डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज मोल मोलालिटी मोल फ्रैक्शन। तो इस प्रकार से ये वाले टर्म हमें आपको इस चैप्टर के अंदर और पीपीएम इन डब्लू डब्लू परसेंटेज। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट, अरे यहाँ पर देखो सब टर्म में क्या आ रहा है, वॉल्यूम वॉल्यूम मोलालिटी में भी वॉल्यूम आता है, मोमेंट में वॉल्यूम पीपीएम भी वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो जाता है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, अनडिपेंडेंट सॉरी टेम्परेचर अनडिपेंडेंट, मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर पर वॉल्यूम चेंज होता चला जाए। एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्योंकि मास के अंदर जो डब्लू है, अरे भैया डब्लू है सॉलिड को हीट करें तो आपका जो सबस्टेंस है उतना ही डब्लू की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। लेकिन यहाँ पर सब में देखो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है ये सारे पढ़ने हैं, ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व आता है, खासतौर पर मोलालिटी मोस्ट इंपोर्टेंट मोल मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में रिलेशन रखते हैं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो इस प्रकार से दो पास के अंदर रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने कंसंट्रेशन टर्म को, एक के अंदर दिया वॉल्यूम आएगा सभी टर्म में, और वॉल्यूम है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर हीट करें तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ा है कि इनका कन्वर्जन कन्वर्जन एक दूसरे में कन्वर्जन कैसे होता है, एक दूसरे में कन्वर्जन करना है तो इसके लिए जैसे मोलालिटी दे रखी है आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो इनमें सबसे पहले डेंसिटी, इन दोनों का है डेंसिटी निकाल लो, अरे डेंसिटी से एक दूसरे को कन्वर्ट किया जा सकता है, तो डेंसिटी का बड़ा रोल है इसमें डेंसिटी। तो यहाँ सिखाएंगे अभी कन्वर्जन में किस प्रकार से एक दूसरे को ढूंढ कर लाते हैं, मोलालिटी दे रखी हो तो मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल फ्रैक्शन दिया है तो मोलालिटी कैसे कैलकुलेट की जाए। तो आई होप आप सबको ये क्लियर हो चुका हुआ कंसंट्रेशन का। तो चलिए गाइस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। चलिए गाइस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल, पहला कंसंट्रेशन क्या है, सबसे पहले कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द प्रेजेंट इन द केबिन प्रेजेंट इन द केबिन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन इसको आई कंसंट्रेशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल देखें, आपने सपोज करें
100 ml वाटर के अंदर आपने 10 ग्राम NaCl ऐड कर दिया, तो था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंदर इसकी क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट की, तो कितनी क्वांटिटी सॉल्वेंट के अंदर आपने डिसॉल्व की है प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी ऐड की है, वो क्वांटिटी है 10 ग्राम। दिस बाय कंसंट्रेशन क्लियर। आई होप आप सबको क्लियर हो चुका होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस कंसंट्रेशन टर्म पर चलेंगे। कंसंट्रेशन टर्म में मैंने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, तो उनमें क्या क्या रोल होता है वो पढ़ेंगे। थैंक्स आज के लिए।